आशिम नदीम की स्क्रिप्ट पर या उनके नॉवल पर जब भी कोई ड्रामा बना है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहा है और हट के रहा है, चाहे वो रक्से बिस्मिल हो, चाहे वो खुदा और मोहब्बत हो, या कोई भी उनका ड्रामा, वो काफ़ी ज़्यादा हट के रहा है और उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। अभी ही देख लें कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 को कितनी ज़्यादा TRP मिल रही है। तो उनके एक और नॉवल पर बेस्ड एक ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है परीजाद, जिसकी स्टारकास्ट में शामिल है अहमद अली अकबर, सबूर अली, उर्वा हुसैन और उशना शाह। ये थी वो पहली न्यूज़ जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी और काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने बता दी होगी, लेकिन अब की जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि यमुना ज़ैदी ने भी इनकी कास्ट को ज्वाइन कर लिया। उनका रोल थोड़ा छोटा होने वाला है लेकिन काफ़ी प्रॉमिसिंग होने वाला है। तो अब जो पूरी न्यूज़ ये है कि हम TV का एक मेगा बजट ड्रामा है जिसका नाम है परीजाद, इसकी स्टारकास्ट में शामिल है अहमद अली अकबर जो काफ़ी अरसे के बाद TV स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं अहद वफा के बाद, सबूर अली, उर्वा हुसैन, उशना शाह और यमुना ज़ैदी। ये ड्रामा आपको अब से तकरीबन 5 मंथ के बाद देखने को मिलेगा क्योंकि अभी इसकी शूटिंग जारी है और ये शूटिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है क्योंकि 28 से 30 एपिसोड पर मुश्तमिल ये ड्रामा काफ़ी ग्रैंड प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसलिए इसे संभाल के शूट किया जाएगा और इसे थोड़ा सस्पेंस या हाइप क्रिएट करने के बाद तकरीबन 5 मंथ के बाद जब ये साल ख़त्म होने वाला होगा तब जाकर कहीं रिलीज़ किया जाएगा। तो आप ये ड्रामा किसके लिए देखेंगे इन 5 बड़े स्टार्स में से? ऐसा मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक बड़ा स्टार है अहमद अली अकबर और उसके साथ 4 लीडिंग लेडीज़ आ रही हैं हमारी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग होने वाला है हम TV का। इसके अलावा भी हम TV काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके, तो देखना होगा कि ये ड्रामा कैसे एग्जीक्यूट होता है, किस तरह स्टोरी निकल के सामने आती है। तो ज़रूर बताएं कि आप ये ड्रामा इनमें से किसके लिए देखेंगे या आप इस ड्रामे का कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।